हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि श्रीवास्तव टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको होम साइंस पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइबर के बारे में, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग टेक्सटाइल। तो क्या होता है आपका फाइबर, क्या होता है, कैसे हम उससे यार्न बनाते हैं, फिर कैसे हमने बुनाई की, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन फाइबर के बारे में। कॉटन फाइबर आपका क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉटन फाइबर होता क्या है। तो कॉटन जो है आपका, ये आपका सेल्यूलोजिक रेशा है। कैसा रेशा है? सेल्यूलोजिक। अब सेल्यूलोजिक इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि आपका जो कॉटन होता है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सेल्यूलोजिक रेशा। इसके अलावा और क्या है आपका कॉटन, तो आपका जो कॉटन फाइबर है इसमें ये सब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे ये हमारा भारत देश में। इसका जो उद्गम स्थान है, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे मैम कपास का उद्गम स्थान क्या है, ये है भारत। सबसे पहले भारत में ही हमारा कपास का रेशा पाया गया था। हमने क्या किया था, कपास के रेशे को लिया, उसके बाद हमने उससे क्या बनाया, धागा बनाया, और धागे के बाद हमने क्या किया, उससे हमने बुनाई की, और बुनाई करके हमने वस्त्र बनाए थे, ठीक है। तो कपास का जो फाइबर है वो कैसा फाइबर है, वो एक सेल्यूलोजिक फाइबर है। और ये सबसे पहले इसका उद्गम स्थान कहाँ देखा गया, तो ये भारत में देखा गया था, ठीक है। विश्व में आपका कहाँ कहाँ फाइबर ये पाया जाता है, तो आप बताएंगे अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में भी आपका ये पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉटन फाइबर किसके, कौन से रेशे के वर्गीकरण में आता है। तो आपने जब लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, आपने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हमारा जो फाइबर होता है उसके मुख्यतः कितने भाग हैं, दो भाग हैं, कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक कौन सा देखा था आपने, एक देखा था नेचुरल फाइबर, ठीक है, एक आपका नेचुरल फाइबर था, और जो सेकेंड था वो कौन सा था, तो वो हमारा था सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक था। इसके बाद नेचुरल फाइबर में हमने क्या कहा था, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रेशे, इसे हमने कितने भागों में बांटा था, तो इसे हमने तीन भागों में बांटा था। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, आज हम कॉटन की बात कर रहे हैं, तो कॉटन किसके अंतर्गत आएगा, कॉटन हमारा वनस्पति के अंतर्गत आएगा ना, वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल के अंतर्गत आएगा। और वेजिटेबल में भी कौन सा, वेजिटेबल में भी आप बताएंगे कि सीड फाइबर, ठीक है, कौन सा, सीड फाइबर। सीड क्यों, क्योंकि आपके कॉटन में क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो आपने पढ़ा था नेचुरल फाइबर, इसे हमने तीन भागों में बांटा था, एक आपका वानस्पतिक रेशे थे, दूसरा कौन सा था, दूसरा आपका प्राणिज्य रेशे था, और तीसरा कौन सा था, तो तीसरा आपका खनिज रेशा था, ठीक है। तो वानस्पतिक है, जानतो है, खनिज है, तो हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है कॉटन की। तो कॉटन आपका किसमें आता है, तो कॉटन आपका किसमें आता है, कॉटन आपका आता है सेल्यूलोजिक फाइबर में। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आपके कॉटन में पाया जाता है। तो कॉटन को हम कह सकते हैं ना कि ये क्या है, वेजिटेबल सोर्सेज, ठीक है, वानस्पतिक जगत से पाया गया है। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, ये आपका कैसा फाइबर है, सीड फाइबर है, ठीक। तो इतना क्लियर है आपका, कॉटन यानी कि सूती रेशे, कपास की बात कर रहे हैं हम लोग, कपास आपका कैसा रेशा होता है, कपास आपका विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी रेशा, विश्वव्यापी रेशा कहते हैं कपास को। इसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा कपास जो होता है, कॉटन जो होता है, उसे हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि कपास हमारे वस्त्रों का राजा है, ठीक है, क्या है, कपास हमारे वस्त्रों का राजा है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि हमारा जो कपास का रेशा है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पे करते हैं। नॉर्मली हम लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों, जो आपका कपास होता है ना, ये उष्मा का भी अच्छा संवाहक है,
कपास आपका जल को अवशोषित कर लेता है, तो ये आपका जो रेशा होता है कपास, ये बहुत ही अच्छा माना गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वस्त्रों का राजा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, वस्त्रों का राजा कहते हैं। फिर आइए बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो कॉटन फाइबर है ये क्या है। हमारा जो कॉटन फाइबर है ये लगभग 3 से 6 फिट हमारा लंबा होता है। कितना लंबा होता है, 3 से 6 फिट हमारा इसका जो पौधा है ये लंबा होता है। और हमारा जो पौधा है ये इतना लंबा होता है 3 से 6 फिट, और लेकिन जो हमारा रेशा है ना, जो हमारा कपास का रेशा है वो कितना लंबा होता है, तो वो आप बताएंगे 1/2 से 1.5 से 2.5 इंच। ठीक है, 1/2 इंच से 1.5 इंच आपका ये लंबा होता है। ठीक, इसके बाद हम इसका संग्रह कैसे करते हैं, तो संग्रह हम कैसे करेंगे, कपास के को हम इकट्ठा करके लेके आते हैं, फिर हम उसे एक ऐसी जगह रखेंगे जहां पे हमारे कीड़े मकौड़े ना हो। ठीक, जैसे हमारे यहाँ खेती हम लोग करेंगे तो अगर बहुत अधिक मात्रा में अनाज है तो हम उसे मेल में रख देते हैं ना, हम उसे एक ऐसे जगह रखेंगे जहाँ पे क्या हो, पानी बहुत ज्यादा ना पड़े, बहुत ज्यादा धूप ना लगे। तो हम क्या करते हैं, अपने कपास को भी क्या करते हैं, कपास को भी हम संग्रह करके अच्छे से रखते हैं जिससे वो खराब ना हो और बड़े पैमाने पर हम उसका उपयोग कर सके। तो आपके भारत में कपास जो है वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कपास का कहाँ होता है, तो आप बताएंगे हमारे कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा जो आपका सूती मील है, ठीक है, जो सूती मील है, सूती मील का मतलब क्या है कि हमारा जो कपास होता है उससे जब हम कपड़े बनाते हैं तो मील में बनाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, हाथ से बुनाई करते थे, लेकिन अब क्या है, हाथ से बुनाई करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए हमने मीलों की स्थापना की। तो मीलों में हम क्या करते हैं, कपास के रेशे से धागा बनाते हैं, धागे से बुनाई करते हैं। तो जो बुनाई की प्रक्रिया है, जो हमारी बुनाई की प्रक्रिया है, वो सर्वप्रथम कहाँ हुई भारत में, तो वो सर्वप्रथम सन 1818 ईस्वी में। ठीक है, सन 1818 ईस्वी में कलकत्ता में आपके सूती मील की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, सन 1818 ईस्वी में कोलकाता में आपके सूती मील की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा, आपको ये पता चला कपास क्या है, कपास हमारा कैसा रेशा है, कपास हमारा एक सेल्यूलोजिक फाइबर है। ये आपके किस में फॉल करता है, तो ये आपका क्या है, प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में कौन सा, प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का, और वानस्पतिक जगत में कौन सा, वानस्पतिक जगत में सीड फाइबर में आएगा ये आपका। और एक चीज और, कपास जो आपका रेशा होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा जो जितने भी फाइबर होते हैं वो लंबाई के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बढ़ते हैं ना, एक कौन सा, एक आपको बताया गया था स्टेपल फाइबर, ठीक है, छोटे रेशे, और दूसरा कौन सा बताया गया था, फिलामेंट फाइबर। तो चलिए बताइए कि हमारा जो कपास का रेशा है वो स्टेपल होगा या फिलामेंट होगा, कौन सा होगा। तो हमारा जो कपास का रेशा है वो किस में आता है, वो हमारे स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आता है। अब स्टेपल क्या होता है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा जो कॉटन फाइबर है वो स्टेपल के अंतर्गत आता है, और स्टेपल का मतलब होता है छोटे रेशे। कैसे रेशे, छोटे रेशे जिनकी लंबाई क्या हो, जिनकी लंबाई हम किसमें नापे, इंचेस में नापे, किसमें नापे, इंचेस में नापे। तो ये समझ में आया कि अब भाई कॉटन आपका अगर स्टेपल फाइबर है तो कॉटन की लंबाई भी क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, अगर जब आप बोल रहे हैं कि कॉटन हमारा स्टेपल फाइबर है तो इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, और कितनी, किसमें जाएगी, इंचेस में जाएगी। ठीक है, तो लगभग कितना लंबा होगा, ये लंबाई देखें अगर इसकी, तो 1/2 से 1.5 इंच, 2.5 इंच। ठीक है, अब ये है कि अलग अलग जगह की जैसी जलवायु होती है, जैसी भूमि होती है, वैसे ये हमारा फाइबर क्या होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, लंबा होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे हमारा भारत देश है, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं ना। ठीक है, उत्तर भारत के लोग अलग तरह से दिखाई देंगे आपको, दक्षिण भारत के लोग अलग दिखाई देंगे, रंग रूप शरीर आकृति सब में डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह जो फाइबर होते हैं ना, जो फाइबर है हमारे, जो रेशे हैं, उन्हें भी कौन प्रभावित करता है,
जैसे मनुष्यों को कोई प्रभावित करता है, हमारे मौसम, जलवायु, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, तो फाइबर रेशे को नहीं प्रभावित करेंगी। तो जहां का जिस प्रकार की जलवायु होगी, जैसी वहां की मिट्टी होगी, वैसे ही आपका फाइबर अच्छा और खराब होता है। तो कहीं कहीं का फाइबर तो आपका बहुत अच्छा होता है और कहीं का फाइबर कैसा होगा, थोड़ा सा खराब होगा, मटमैला रंग का होगा। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? ये आपकी भूमि और जलवायु की वजह से होता है। ठीक है, भूमि और जलवायु की वजह से होता है कि आपका कहीं का फाइबर क्या होगा, कुछ कम लंबा होगा, कहीं का अधिक लंबा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कपास का पौधा है उसकी खेती हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, खेती कैसे करेंगे? तो आप लोग बताइए कि भाई कपास का रेशा तो सभी ने देखा होगा। ठीक, कपास का रेशा तो सभी ने देखा होगा, तो कैसे खेती करते हैं हम लोग इसकी? हमारे घर के आसपास भी तो कपास का पौधा हमने देखा है, तो खेती कैसे करेंगे और भूमि और जलवायु इसकी कैसी होगी? अभी अभी मैंने आपको बताया था, हमारे हर एक फाइबर के लिए, हर एक रेशे की जो भूमि है वो अलग प्रकार की होगी और जलवायु भी अलग प्रकार की होगी। तो हमारे कपास की जलवायु कैसी होनी चाहिए? कपास के लिए हमारी जो जलवायु होनी चाहिए वो उष्णकटिबंधीय। कैसी? उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय हमारी जलवायु होनी चाहिए। इसके अलावा भूमि कैसी होनी चाहिए? तो हम बात करेंगे कि भूमि कैसी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे भूमि जो है वो मिट्टी उसकी काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, काली मिट्टी होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो भूमि है वो थोड़ी सी क्षारीय होनी चाहिए। आप लोगों ने अम्ल, क्षार, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, तो उसी तरह हमारा जो कॉटन फाइबर है उसके लिए जो हमारी मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए? क्षारीय होनी चाहिए। ठीक, अब ये देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारे जब कॉटन फाइबर के लिए भूमि क्षारीय होनी चाहिए, तो हमारा जो कॉटन फाइबर जब बन के तैयार होगा, ठीक है, हमारे कपास के पौधे के लिए जब भूमि क्षारीय चाहिए, तो हमारा जो कॉटन फाइबर बन के तैयार होगा, तो उसपे अम्ल का प्रभाव अधिक पड़ेगा या क्षार का प्रभाव अधिक पड़ेगा? ठीक है, अम्ल का प्रभाव अधिक पड़ेगा या क्षार का प्रभाव अधिक पड़ेगा? ये अम्ल और क्षार, ठीक है, अम्ल का प्रभाव और क्षार का प्रभाव, इसे हम विशेषताएं में आगे भी देखेंगे। यहां भी समझते चलिए कि जो अम्ल है ना, उसका हमारे कॉटन के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको मैंने बताया कॉटन जो है हमारा वो एक सेल्यूलोजिक रेशा है। ठीक है, कॉटन जो है हमारा वो एक सेल्यूलोजिक रेशा है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जितने भी वेजिटेबल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर में हमारा कॉटन और लिनन, यही दो ऐसे फाइबर हैं जिसमें हमारी सेल्यूलोज की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो जब कॉटन आपके का सेल्यूलोजिक फाइबर है, तो उसपे अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ेगा? बुरा पड़ेगा। और क्षार का प्रभाव कैसा पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमें भूमि कैसी चाहिए, तो आपने बताया कि भाई भूमि हमें कैसी चाहिए, भूमि हमें क्षारीय चाहिए, मिट्टी हमें काली मिट्टी चाहिए। तो क्षार का अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, जब भूमि हमें क्षारीय चाहिए तो क्षार का प्रभाव हमारे सूती कपड़े पे कैसा पड़ेगा? तो आप बताएंगे सूती कपड़े पर क्षार का प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है, मतलब बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, खराब प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस सूती कपड़े को क्या कर सकते हैं, साबुन से, साबुन क्षारीय होता है ना, साबुन से अच्छे से धुल देते हैं, साफ हो जाता है। तो क्या आपका लेकिन अगर आप एसिड गिराएंगे उसके ऊपर, ठीक है, तो वो गल जाएगा, खराब हो जाएगा या नहीं खराब हो जाएगा? तो यही है आपका अम्लीय प्रभाव और क्षारीय प्रभाव, ये आपकी रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत हम इसे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फाइबर है, ठीक है, हमारा जो फाइबर है उसमें हम लोग खेती करना देख रहे थे। तो जलवायु आपने बताया कि उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, भूमि हमने देखा कि काली मिट्टी होनी चाहिए, और काली मिट्टी भी कैसी? क्षारीय। इसके बाद हम बीज बोते हैं कपास का। क्या करते हैं? बीज बोते हैं। अब बीज बोएंगे तभी पौधा निकलेगा। तो बीज बोने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत है, ठीक है, ये क्या है, हमारा खेत है, तो हम इसमें कैसे बीज बोएंगे? तो आप बताएंगे भाई हम इसमें कैसे बीज बोएंगे? तो कपास का बीज ऐसे लेकर के हवा में नहीं फेंकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बीज को क्या करते हैं, हम लोग आम खाते हैं, आम की गुठलियां फेंक दिए,
और बरसात में आम का पेड़ निकल आया, लेकिन हमारा जो कपास का फाइबर है ये अच्छी तरह से ग्रो अप हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक कतार में बोते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम इसको एक कतार में बोते हैं। कतार में बोने से आपका जो फाइबर है ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अगर हम फेंक फेंक के बोएंगे तो ये उतना अच्छा ग्रो अप नहीं होगा, उतना अच्छा आपका ये दिखाई रेसे इसके उतने अच्छे नहीं होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, एक कतार में बोते हैं। क्लियर है, खेती कैसे करनी है? सबसे पहले आप भूमि और जलवायु देखेंगे, तो भूमि आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी मिट्टी काली होनी चाहिए, जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। बीज कैसे बोना है आपको, बीज आपको कतार में बोना है। इसके बाद है आपका पौधे का विकास। ठीक है, पौधे का विकास आप लोग देखेंगे कि पौधे का विकास कैसे होगा। तो पौधे का जो विकास है, जब हमने कतार में बीज बोए, ठीक है, जब हमने कतार में बीज बोए तो हम देखेंगे कि लगभग कुछ दिनों बाद हमारे क्या निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। ठीक है, जब आपके छोटे छोटे पौधे ऐसे उगाएंगे ना, ऐसे ऐसे जब छोटे छोटे पौधे उगाएंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खुदाई कर देते हैं। ये जो एरिया है हमारा, जब हमने पौधा हमारा थोड़ा सा उग गया तो हम क्या किए, ये जो एरिया हमारी भूमि की दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी खुदाई कर देते हैं, जिससे वो और अच्छा हो सके। ठीक है, तो हम इसकी खुदाई करते हैं, किनारे किनारे अच्छे से खुदाई करते हैं, मड़ाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका पौधा और बड़ा हो जाता है और उसमें क्या निकल आता है, आपके पौधे में निकल आता है फूल। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से हमारा दिखाई देगा। ये क्या है, ये आपका है कॉटन का पॉड। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना, बताया सीड पॉड और कॉटन बॉल। ठीक है, पौधे का विकास में हमने आपको सीड पॉड और कॉटन बॉल बताया। तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका पॉड है। ठीक है, क्या है, ये पॉड है, सीड पॉड है, और यही आपके किसमें निकलता है, ये आपके कॉटन के पेड़ में निकलता है। ठीक है, ये हरा कलर का होता है और ये इसके ऊपर ये हरी हरी जो है इसे हरे हरे पत्तियों से ढका हुआ है, ये आपका कॉटन का पॉड है। और फिर ये क्या होगा, कुछ समय बाद ये आपका क्या हो जाता है, फूट जाता है। क्या होता है, ये कुछ समय बाद फूट जाता है। ठीक है, जब ये फूटता है तो ये कैसा दिखाई देता है, ये देखिए, ये जब फूटेगा तो कैसा दिखाई देगा, ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉटन फाइबर यहीं से मिलता है, ये हमारा कपास का फूल है। ठीक है, ये कपास का हमारा कॉटन बॉल है, ये हमारा क्या है, ये है कॉटन बॉल। कपास का फूल जब झड़ जाता है तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, और जब ये आपका फूट जाता है तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, ये हमारा क्या है, कॉटन बॉल। ठीक है, तो ये हमारा सीड है और ये कॉटन बॉल है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फूट गया है और इसके अंदर ये सफेद कलर का, किस कलर का, सफेद कलर का आपको दिखाई देगा रेशा, और ये आपस में एकदम गुथे हुए होते हैं। कभी अगर आपने देखा होगा कॉटन फाइबर को तो ये एकदम, अगर आप उसका कॉटन का बॉल लीजिए और देखिए तो एकदम आपस में एक दूसरे को चिपके रहते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं रहते, बहुत ही ज्यादा चिपके रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसका इसका जब आप कपड़ा बनाने की प्रक्रिया करते हैं ना, तो इसको जो है अच्छे से इसकी धुनाई करते हैं, फिर इसमें कंघी करते हैं, तब जाके आपका ये रेशा थोड़ा सीधा होता है और हम इससे क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो ये आपस में एकदम गुथे होते हैं और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिनौले बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका, ये आपका क्या है, ये सीड है और इसके अंदर सीड पाया जाता है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉटन का बॉल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने खेती कैसे की, भूमि और जलवायु आपने देखा, उसके बाद हमने बीज बोया, फिर हमने पौधे का विकास देखा। तो पौधे का विकास मैंने आपको बताया लगभग एक महीने लगते हैं इसके पौधे को का विकास करने में। तो इसमें एक दो चीजें आप देखेंगे, सीड पॉड क्या होता है और कॉटन बॉल क्या होता है। जब उसमें वो बंद होता है पूरी तरह से, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, सीड पॉड बोलते हैं। और जब वो फट जाता है, ठीक है, जब वो क्या हो जाता है, ये इस प्रकार से जब बंद रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो सीड पॉड कहलाएगा, और जब वो फट जाएगा तो क्या कहलाएगा,
तो आपका ये कॉटन बॉल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इस कॉटन बॉल से ही आपका क्या बनता है, यहीं से आपकी शुरू होती है वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। क्या शुरू होती है? वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, कि कैसे आप अपने कॉटन से, सूती रेशे से क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि हम इससे किस प्रकार से वस्त्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सूती वस्त्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, सूती वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके सीरियल में लगाने के लिए भी आ जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सूती वस्त्र आपका कैसे बनता है, तो ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ये पूरा सीक्वेंस में पूछा जाता है, क्रम से लगाइए, ऐसे नीचे से दे देगा, ये नहीं कि आपको पूरा लाइन से देगा, दे देगा बेलिंग, ओपनिंग, ब्लेंडिंग, कार्डिंग, डबलिंग। ठीक है, तो आप इसको क्या लगाइए, क्रम से लगाइए। तो इसको आपको कैसे याद करना है, एकदम क्रम से याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है क्या है, सबसे पहले हमारा है हार्वेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, अपने कपास के जो पौधे हैं उससे क्या करेंगे, उसे तोड़ तोड़ करके इकट्ठा कर लेंगे, खेती करना। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब खेती करना। तो हम खेती करने के लिए आपको बता दीजिए क्या क्या करना था, उसके बाद हम क्या किए, उसको तोड़ करके लेके आए। जब आपने यहाँ पे देखा था कि आपने क्या देखा था, यहाँ पे जो उसके फूल थे ना, ये जब ये कपास का फूल था, फिर आपका ये पॉड बना, फिर यहाँ जो आपका कॉटन बॉल था, तो कॉटन बॉल को हम क्या करते हैं, जैसे ये फटते हैं तो हम इसको तोड़ करके लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कॉटन बॉल है ना, ये बहुत ज्यादा दिन तक फिर फटने के बाद पेड़ पे, पौधे पे टिका नहीं होता है, ये गिर जाता है। तो गिरने के बाद क्या होगा, जमीन पे गिर गया, जमीन पे बहुत सारी गंदगियां हैं, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से उसमें अशुद्धियां ना लगे, तो जैसे ही फटता है हम इसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं तोड़ तोड़ के, और उसको संग्रहित कर देते हैं, क्या बनाने के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग आपको समझ में आया क्या करना है हमें, हमने खेती कर ली थी और हम उसके कॉटन बॉल को क्या कर लिए, इकट्ठा करके संग्रह करके रख दिए। रखने के बाद अब भाई उसको वस्त्र बनाने में प्रयोग करना है, तो वस्त्र बनाने में प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड जो है हमारा गिनिंग, सॉर्टिंग, बेलिंग। ठीक है, ये तीनों समझिए, गिनिंग क्या है, सॉर्टिंग क्या है और बेलिंग क्या है। ठीक, तो गिनिंग क्या है, ठीक है, गिनिंग क्या है, सॉर्टिंग क्या है, बेलिंग क्या है। तो गिनिंग मतलब क्या होता है, तो गिनिंग मतलब होता है बिनौले निकालना। ठीक है, क्या करना, बिनौले निकालना, कैसे, ठीक है, कैसे बिनौले कैसे निकालेंगे, तो जो आपका फाइबर है ना, ठीक है, जो आपका फाइबर है उसमें से फाइबर जो है आपका बुनाई में प्रयोग किया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका कॉटन बॉल है उसमें से, आपको दिखाया था मैंने ऐसे क्या होता है, आपका जो कॉटन बॉल होता है उसमें ऐसे बीज होते हैं, इसी बीज को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब तक हम इस बिनौले को नहीं निकालेंगे, हम आगे की प्रक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, गिनिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी कि बिनौले को निकालते हैं। ठीक है, बिनौले को निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसकी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, इसकी कई सारी प्रक्रियाएं हैं। पहला क्या है, पहला है आपका हाथ से निकालना। ठीक है, किससे निकालना, हाथ से निकालना, हाथ से निकालना। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है सलाई से निकालना, सलाई से निकालना। और तीसरा क्या है हमारा, तो आप बताएंगे भाई तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है मशीन से निकालना। ठीक है, मशीन से। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं क्या करने के लिए, गिनिंग करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हाथ से निकालना, कि आपका जो कॉटन बॉल है हमने उसको लिया और हाथ से क्या कर दिया, बिनौले को निकाल दिया। ठीक है, और इसके अलावा हाथ से एक प्रकार से और निकाल सकते हैं, आपके दो बेलन होते हैं। ठीक, दो बेलन होते हैं
और उसके बीच में आप क्या डाल देते हैं, कॉटन की बॉल डाल देते हैं और ये दो बेलन जो है आपस में प्रक्रियाएं करते हैं, ऐसे घूमते हैं और फिर क्या हो जाता है, आपका जो छोटे छोटे बीज हैं वो निकल जाते हैं और जो आपका फाइबर है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हाथ से तो इस प्रकार से निकाल लिया, अब हम कैसे निकालेंगे, सलाई से। तो सलाई होती है आपकी ऐसे लंबी लंबी सी सलाइयां होती हैं, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी सी आपकी सलाइयां होती हैं और उससे क्या करते हैं आप, उससे आप जो है बिनौले को निकालते हैं, वो सलाई से ऐसे फंसाते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ठीक है, ऐसे लेते हैं अपने कॉटन बॉल को और उसमें से बीज को निकालते जाते हैं। तो सलाई से भी हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन अब क्या है कि आपको आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठ करके उसको हाथ से निकाले या फिर सलाई से निकाले, ये बहुत ही टाइम टेकन प्रक्रिया है। तो आप क्या, अभी आजकल के टाइम पे आधुनिक युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो जो है बैठ करके आराम से एक एक काम करेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम मशीन का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा जो काम है वो आसानी से हो सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मशीन से हम अपने बिनौले को निकालते हैं। मशीन से निकालने के लिए आपकी मशीन होती है, ठीक है, आपकी बिनौले निकालने की मशीन होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। तो आप इसमें क्या डालते हैं, इसमें आप कॉटन का बॉल डालते हैं, ठीक, यहाँ से आपका बॉल आया, ठीक है, कॉटन बॉल आया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने देखा कि इसकी जो अशुद्धियां है, ये जो मशीन है इसकी जो अशुद्धियां है ये यहाँ पे गिर जाएंगी। अशुद्धियां का मतलब क्या, धूल मिट्टी तिनका जो भी आपका एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो आपका यहाँ एक जगह कलेक्ट होता जाएगा। अशुद्धियां एक जगह कलेक्ट हो गई, ठीक है, अशुद्धियां क्या हुई आपकी, एक जगह कलेक्ट हो गई। मशीन में यही रहता है कि आपकी हर एक चीजें अलग अलग जगह कलेक्ट हो जाती, तो अशुद्धियां एक जगह कलेक्ट हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके जो बीज है, ठीक है, यहाँ पे जब आपका ये फाइबर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके बीज एकत्रित होते हैं, क्या एकत्रित होते हैं, यहाँ पे बीज अलग हो गए। जो बिनौले की बात करें उसे ही हम बीज कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया था, कॉटन बॉल डाला, कॉटन बॉल की अशुद्धियां एक जगह कलेक्ट हो गई, फिर उसके बाद बीज आपके एक जगह कलेक्ट हो गए, फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे यहाँ से ऐसे आपका कॉटन बॉल इसमें जाता है और यहाँ से एक चादर के रूप में, जब आप कई सारी चीजों के अंदर से लेकर के जाएंगे अपने कॉटन को तो क्या होगा, वो इकट्ठा जा रहा है, ठीक है, तो इकट्ठा जाने की वजह से एक चादर के रूप में, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे डाला, यहाँ से ये चीजें गिरी, फिर इधर आई, यहाँ पे आई तो क्या हुआ, यहाँ पे जो बीज था वो निकला, फिर ये एक सीक्वेंस में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जब निकलेगा तो एक चादर के रूप में बाहर निकलता है। किस रूप में, चादर के रूप में बाहर निकलेगा और जितने भी आपके बिनौले रहेंगे ना वो निकल चुके होंगे और कुछ सफाई भी उसकी हो चुकी रहती है, ठीक है। तो मशीन से जो हम प्रक्रिया करते हैं वो ज्यादा आसान होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। तो सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, तो सॉर्टिंग में आप बताएंगे, सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, तो सॉर्टिंग में हम उसकी छटाई करते हैं, थोड़ी सी अशुद्धियां जो और होती हैं उन्हें साफ करके अलग अलग करके क्या करते हैं, उसके आगे बेलिंग की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छटाई करना, कि आपके जो थोड़े गंदे फाइबर थे उसे एक तरफ कर दिया, जो थोड़े अच्छे थे उसे एक तरफ कर दिया, ठीक है, और जो एकदम खराब थे उसे अलग कर दिया, ठीक है, तो उसे क्या कर दिया, छांट छांट के एक जगह कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम छटाई का काम करते हैं और साथ में थोड़ी सी जो इसकी अशुद्धियां होती हैं, गंदगियां होती हैं, उसे भी दूर कर देते हैं। जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, बेलिंग। बेलिंग मतलब क्या होता है, बेलिंग मतलब होता है गांठे बांधना, ठीक है, क्या होता है बेलिंग मतलब, गांठे बांधना। अब गांठे क्यों बांधी जाएंगी, बताइए भाई, गांठे क्यों बांधी जाएंगी, तो आप बताएंगे, गांठे बांध करके ही तो हम इसको कहां लेके जाते हैं, मील में लेके जाते हैं। किस लिए लेके जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, क्योंकि हमें आगे कपड़े भी तो बनाने हैं, सिर्फ इसको इकट्ठा ही करके तो नहीं रखना है, आगे कपड़े बनाने के लिए प्रयोग करने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, खेती किया, खेती करके उसके क्या इकट्ठे किए, बिनौले निकाले, छटाई कर दी, अब गांठे बनाएंगे। तो जो चादर के रूप में आपका बाहर आया था उसे हम क्या करते हैं, कम से कम थोड़ा थोड़ा कुछ भागों में बांट करके
ठीक है, 500-500 के पौंड में बांध करके, लगभग 500-500 पौंड में बांध करके कई सारे गट्ठर बना के उसे कहाँ लेके जाते हैं, उसे हम मील में लेके जाते हैं। ठीक है, 500-500 के पौंड में उसको बांध करके अच्छे से मील में पहुंचा दिया। तो बेलिंग मतलब क्या हुआ, बेलिंग मतलब हुआ गांठे बांधना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, वो है हमारा ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का क्या मतलब हुआ कि अब हमारा जो कॉटन था वो कहाँ पहुंच चुका है, वो हमारे मील में पहुंच चुका है। ठीक है, तो मील में पहुंचने के बाद क्या होगा, तो मील में पहुंचने के बाद क्या वो बंधा रहेगा, बंधा तो नहीं रहेगा, उसे हम खोलेंगे भी ना, तो खोलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है हमारी, खोलने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, ओपनिंग। जो आपके बड़े बड़े गट्ठर आए हुए थे, जो आपके कॉटन के गट्ठर आए हुए थे 500-500 पौंड के, उसे हम क्या करते हैं, खोलते हैं। अब खोलने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी गांठे खोल रहे हैं, गांठे खोलने का मतलब ये है कि जो आपस में बंध गए हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हो गए हैं, एकदम बंध गए हैं, चिपक गए हैं, क्योंकि आपके कॉटन फाइबर में ऐसा गुण होता है, आपने उसका कॉटन बॉल भी देखा ना, वो आपस में क्या हो जाते हैं, एकदम जल्दी से चिपक जाते हैं। आपके पास रुई की तकिया होगी, आप देखिए कुछ दिनों बाद वो क्या, रुई आपस में सट जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, जब आप इनको लेके आते हैं गांठे बना के, तो ये आपस में एकदम चिपक जाते हैं। तो ओपनिंग में हम क्या करते हैं, उन्हें खोलते हैं। जैसे हम धुनाई करते हैं पीट पीट के, तो हम क्या करते हैं ओपनिंग में, धुनाई नहीं करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, खोलने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो खोलेंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग, ऐसा कुछ अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग करने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हमें आगे बहुत जो है क्या बनाने हैं, आगे हमें उसकी धुनाई करनी है, उसकी सफाई करनी है, उसके धागे बनाने हैं, उसके वस्त्र बनाने हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग में क्या करेंगे, हम पहले उसे खोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड मतलब मिलाना। अब मिलाना कैसे, जैसे आप मान लीजिए उसे खोला, खोल करके आप उसको अच्छे से मिला देंगे पूरा, ताकि क्या हो सके, आपकी सारी फाइबर अच्छे से मिल जाए एक दूसरे में, और एक रूपता आ जाए। क्या आ जाए, एक रूपता आ जाए। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं केवल अच्छे फाइबर रहे, कहीं केवल खराब फाइबर है, ये चीजें ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ब्लेंड कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं ना क्लास में, अगर 2 से 3 बच्चे अच्छे हैं, या 2 से 3 बच्चे मान लीजिए थोड़े से कमजोर हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें कुछ अच्छे बच्चों के पास बिठा देते हैं, तो वो बच्चों की क्या हो जाती है, थोड़ी मदद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ब्लेंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, उन्हें मिला दे रहे हैं, जो सारे फाइबर हैं उन सबको एक साथ मिलाते हैं, तो जिससे उसमें क्या आ जाती है, एक रूपता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, वो है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या करते हैं, जैसे मम्मी हमारी घर में धुनाई करती है हम लोगों की, उसी तरह से मील में क्या होता है, मील में भी धुनाई की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, क्या होती है, धुनाई की प्रक्रिया होती है। जब आप गलतियां करते हैं तो आपकी भी पिटाई होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे गलती तो नहीं किया कॉटन कुछ भी, लेकिन इसकी भी अच्छे से पिटाई हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं धुनाई की प्रक्रिया। ठीक है, कॉटन के हम जो हमारा कॉटन इकट्ठा हुआ था, हम उसको अच्छे से धुनाई करते हैं। धुनाई करने के बाद हम क्या करते हैं, डबलिंग। एक बार धुनाई कर दिया खूब अच्छे से, उसके बाद हम उसको पलट पलट के दोबारा भी धुनाई करते हैं, कि ताकि वो क्या हो जाए, एकदम अलग अलग अच्छे से हो जाए। कहीं आपने देखा होगा जहाँ पे गद्दे वगैरह बनते हैं, वहां पे देखिए मशीन होती है जिससे हम क्या करते हैं, कार्डिंग का काम करते हैं, धुनाई का काम करते हैं। तो एक बार अच्छे से धुनाई उसकी कर दी, फिर उसको दोबारा भी धुनाई करते हैं, ताकि वो जो पूरा मिक्सअप हो जाता है ना, ये क्योंकि बहुत सट जाते हैं ये, तो धुनाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे क्या हो जाए, थोड़े से खुल जाए, अलग अलग हो जाए, और आपका फाइबर थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो कार्डिंग हमने किया, डबलिंग किया। तो ये आप लाइन से याद कर लीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर हम गिनिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, बेलिंग करते हैं, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं, और यहाँ पे कार्डिंग एंड डबलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद, ठीक है, जब आप डबलिंग कर लिए, यानी कि दोबारा धुनाई की प्रक्रिया कर लिए, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप कॉम्बिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आप करते हैं कॉम्बिंग। कॉम्बिंग क्या होता है, हमारे बाल उलझे होते हैं तो हम उसमें कंघी करते हैं कि नहीं, क्या क्यों करते हैं, कि हमारा बाल सीधा हो जाए। ठीक है,
तो इसलिए कॉम्बिंग का मतलब क्या है, कंघी करना, ठीक, कंघी करना, जो हमारे उलझे हुए बाल हैं उसे सीधा करना, जिससे वो क्या दिखे, समानांतर दिखे। इसलिए जो हमारा कॉटन है उसे हम क्या करते हैं, अच्छे से कंघी करते हैं। और कंघी करने में कई सारी चीजें आ जाती, जैसे हम कंघी करते हैं तो जो हमारे छोटे बाल होते हैं वो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं ना, और जो लंबे होते हैं वो भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जो आपके छोटे, आपको फाइबर, जब आप फाइबर की भी कंघी कर रहे हैं तो जो आपके छोटे छोटे फाइबर आपको दिखेंगे आप उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। जो एकदम छोटे छोटे होंगे उन्हें आप अलग कर देंगे, और जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, उन्हें आप अलग कर लेंगे। तो आपको जिस प्रकार का, जहां पे जैसी जरूरत है कॉटन की, वहां पे वैसा प्रयोग कर ले रहे हैं। क्योंकि आपको कहीं हो सकता है छोटे छोटे फाइबर की जरूरत हो, जैसे कि हम क्या बनाते हैं, नमदा बनाते, कालीन बनाते हैं, तो वहां पे हमें छोटे छोटे कॉटन की जरूरत होती है, ठीक। और बड़े बड़े अगर आपको कॉटन चाहिए तो आप उस बड़े को अलग कर लेते हैं। तो कॉम्बिंग में ये सारी चीजें करते हैं, आप अपने रेशे को सीधा करते हैं, समानांतर करते हैं। इसके बाद है आपका ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, आप लोग ड्रॉइंग करते हैं कला, लेकिन यहाँ पे ड्रॉइंग का क्या अर्थ है, यहाँ पे ड्रॉइंग का अर्थ है खींचना। क्या अर्थ है इसका, खींचना। खींचना मतलब उसको हम थोड़ा सा खींचते हैं, जो हमारा कॉटन का फाइबर है हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे उसका, क्या चेक करने के लिए, मजबूती चेक करने के लिए, कि बहुत ज्यादा अगर मतलब कमजोर है तो उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा खींच देते हैं जिससे वो क्या हो सके, थोड़ा ठीक हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है रोविंग। रोविंग का मतलब क्या होता है, रोविंग का मतलब होता है घुमाना, ठीक है। घुमाना का मतलब क्या है कि आपने जो कॉटन फाइबर लिया है ना, आपने इसका क्या किया, कार्डिंग किया, कॉम्बिंग किया, कॉम्बिंग करके आपने जो अलग करना था कर लिया। इसके बाद आप ड्रॉइंग किए, मतलब उसको खींच भी लिए। अब खींचने के बाद जो आपका ये फाइबर है आप इसे क्या करेंगे, रोविंग करेंगे, यानी थोड़ा सा ऐठन देंगे। क्या देंगे, ऐठन देंगे, घुमाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं देंगे, बस थोड़ा सा ऐठन देंगे, जिससे ये क्या हो सके, आगे की प्रक्रियाएं और आसानी के साथ हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, रोविंग करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं स्लीवरिंग। स्लीवरिंग का मतलब क्या होता है, पोनी बनाना। अच्छा, जब हमने अपने बालों में कंघी की, ठीक है, कंघी करने के बाद उसमें पोनी बनाते हैं ना खुली खुली, तो उसी तरह हम क्या कर लेते हैं, कई सारी पोनियां बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, कई सारी क्या कर लेते हैं, पोनियां बना लेते हैं। और इसी पोनी की हम क्या करते हैं, इसी जो हमने कई सारी पोनियां बना ली, अब हमको कटाई करने में आसानी होगी ना। जब हम मान लीजिए हमने ढेर सारे कुछ फाइबर को एक साथ तो नहीं कटाई कर सकते, कुछ कुछ के करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्लीवरिंग में जब उसकी हम पोनी बना लेंगे अलग अलग थोड़े थोड़े फाइबर का, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग में मतलब क्या, स्पिनिंग में मतलब है हमारा कताई करना, ठीक है। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना। अब कताई कैसे की जाती है, तो आप रिंग फ्रेम से कताई कर सकते हैं, ठीक है, रिंग फ्रेम से भी आपकी कताई होती है कॉटन फाइबर की। और जो दूसरा है वो है म्यूल फ्रेम, ठीक, म्यूल फ्रेम से भी आपकी कताई होती है, ठीक है। तो स्पिनिंग में क्या है आपका, कताई करना। कताई का मतलब क्या होता है, ऐठन देना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि आप जो कॉटन को लेते हैं फिर उसको क्या करते हैं, ऐठन देते हैं ना, ऐठन दे दे करके के बाती बनाते हैं। उसी तरह से जब हम मशीन में ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं तो हम वहां पे स्पिनिंग करते हैं, कताई करते हैं, मशीन से कताई आपकी होती है, उसमें आपके फाइबर को ऐठन दी जाती है। जब आप अपने साड़ी का कोई धागा लीजिए और खोलिए तो उसमें देखेंगे कई सारे ऐसे, जैसे आपका फाइबर है आप इसको खोलेंगे ना, कई सारे आपको रेशे दिखाई देंगे, ठीक। ये सारे रेशों को क्या कर दिया जाता है, ऐठ करके एक रेशा बना दिया, एक धागा बना दिया जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, रेशा है। कई सारे रेशों को ऐठन दे करके, कताई करके हमने क्या कर दिया, एक धागा बना दिया। तो यही कताई करने का मतलब क्या है, आप उसको क्या कर देंगे, कई सारे रेशों को अच्छे से बट करके क्या बना देंगे, धागा बना देंगे, ठीक है, धागा बना देंगे। और इसी धागे को आप क्या करेंगे आगे बुनाई में प्रयोग करेंगे। तो धागा बनाने के लिए हम रिंग फ्रेम से भी कताई कर सकते हैं और म्यूल फ्रेम से भी कताई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा वीविंग। अब वीविंग आपको पहले भी बताए हैं क्या होता है वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई करना, ठीक है। वीविंग मतलब क्या, वीविंग मतलब होता है बुनाई करना। अब बुनाई कैसे की जाएगी, ठीक है, बुनाई कैसे की जाएगी,
तो आपको पता है बुनाई करने में हम दो धागे इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से धागे? दो धागे इस्तेमाल करते हैं। एक जो धागा होता है आपका वो होता है लंबवत और एक होता है आपका इस प्रकार का। इसे हमें क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वार्प। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वार्प, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इसे हम बोलेंगे ताना, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है इस प्रकार का, इसे हम क्या बोलते हैं? वेफ्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेफ्ट बोलते हैं, यानी कि बाना। अब हमारा जो धागा बन गया था, फाइबर से हमने क्या बना लिया? धागा बना लिया। अब मैंने जैसे आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि फाइबर से धागा बनाने में हमने क्या किया, लास्ट में हमने स्पिनिंग किया, कताई किया, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे स्पिनिंग तक पहुंच गए। लेकिन स्पिनिंग के अलावा हमने और भी प्रोसेस किए हैं, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो यहाँ तक आपका सीक्वेंस में पूछा जाता है, खासकर स्पिनिंग तक का, तो ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी लाइन से, कि आप पहले कार्डिंग कर रहे हैं, फिर कॉम्बिंग कर रहे हैं, फिर ड्रॉइंग कर रहे हैं, फिर रोविंग, फिर स्पिनिंग, स्लीवरिंग, देन स्पिनिंग। तो ये आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, सीक्वेंस से याद करना है। तो बुनाई में आपने क्या किया? दो प्रकार के धागे इस्तेमाल करते, दो प्रकार से बुनाई करने के लिए, एक कौन सा? वार्प और दूसरा वेफ्ट। अब इसी वार्प और वेफ्ट, यानी ताना और बाना को आपस में क्या करते हैं? गूंथते हैं। और क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं बुनाई करके, ठीक है। ताना और बाना को हम क्या करते हैं? आपस में गूंथते हैं और क्या बनाते हैं? हम कपड़ा बनाते हैं, ऐसे बुनाई करते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार की बुनाई होती है आपकी, वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जब आप बुनाई कर लिए, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं फिनिशिंग का काम, ठीक है। क्या करते हैं? फिनिशिंग का काम करते हैं। तो फिनिशिंग मतलब क्या होता है? फिनिशिंग मतलब होता है परिसज्जा। अब जब हमारा कपड़ा बन गया, ठीक है, कॉटन का हमारा जब कपड़ा बन गया, तो अब हम इसको परिसज्जा तो करेंगे ना, ताकि ये और अधिक सुंदर दिखाई दे। तो इसलिए हम इस पे कौन कौन सी परिसज्जा करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं? मर्सराइजिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? मर्सराइजिंग करते हैं ना। क्यों करते हैं मर्सराइजिंग? ताकि आपका जो ये कॉटन का कपड़ा है, ये क्या हो सके? और अधिक चमकदार हो सके। क्या हो सके? चमकदार हो सके। और क्या करते हैं हम इस पे? इस पे हम करते हैं कैलेंडरिंग। क्या करते हैं? कैलेंडरिंग करते हैं। कैलेंडरिंग में क्या है आपका? कैलेंडरिंग करने से क्या हो जाता है? आपका ये जो कॉटन फाइबर है, ये बहुत सिकुड़ता है। आपको पता होगा फाइबर ये हमारा बहुत सिकुड़ता है। कॉटन के कपड़े आप पहनिए, उसको आप बिना प्रेस किए पहन ही नहीं सकते। आप धुल देंगे ना, वो सूखने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा उसमें सिकुड़न आ जाती है। इसलिए क्या कौन सी परिसज्जा की जाती है? कैलेंडरिंग की जाती है, जिससे ये आपका थोड़ा सा कम सिकुड़े। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम करते हैं प्रेस करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा डाइंग। डाइंग मतलब क्या होता है? रंगाई। अब हम परिसज्जा कर लिए, अपना वस्त्र अच्छे से बना लिए, अब हम इस पे क्या कर देंगे? थोड़ा सा रंग कर देंगे, रंग लगा देंगे, जो भी आपको जिस प्रकार से भी रंगाई करनी है, आपको जो भी रंगाई, जिस भी कलर में रंगाई करनी है, जो भी डिजाइन में रंगना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा, डाइंग के अलावा, आप इसमें क्या कर सकते हैं? प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग मतलब क्या होता है? छपाई। तो ये आपका था, ठीक है, ये आपका था। आपने सबसे पहले क्या किया था? आपने सबसे पहले किया था हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद आपने गिनिंग किया, गिनिंग के बाद सॉर्टिंग किया, फिर बेलिंग किया, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग एंड डबलिंग, देन आपका क्या है? कॉम्बिंग, ड्रॉइंग, रोविंग, स्लीवरिंग, स्पिनिंग, वेविंग, फिनिशिंग एंड डाइंग। तो ये थी आपकी क्या? सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कार्डिंग और कॉम्बिंग। कॉम्बिंग, कुछ कुछ आपके फाइबर है उसमें कॉम्बिंग नहीं की जाती है, तो जिससे क्या होते हैं वो उतने अच्छे आपके वस्त्र उससे नहीं बनते हैं। लेकिन जब हम कॉम्ब कर देते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषताएं, ठीक है, कपास की विशेषताएं। विशेषताएं में हमारी क्या है? आपको पता है हर एक फाइबर की दो तरीके की विशेषताएं होती हैं। एक होती है भौतिक विशेषता और एक होती है रासायनिक। जितने भी आपके नेचुरल फाइबर हैं, उसकी दो प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी, एक भौतिक और दूसरी रासायनिक। भौतिक का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कि वो किस प्रकार का दिख रहा है, ठीक है।
ठीक है, किस प्रकार का दिख रहा है, इसके अलावा वो क्या है, वो आपका किसका किसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपका है। तो सबसे पहले जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगी, भौतिक विशेषताएं देखेंगे, तो उसमें क्या है संगठन, कि आपका जो कपास का रेशा है, ठीक है, आपका जो कॉटन फाइबर है वो किस किस चीज से बना है, तो आप देखेंगे सेल्यूलोज से आपका बना होता है। इसके अलावा आपका इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ठीक है, ये आपका सेल्यूलोजिक रेशा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है, तो आप बताएंगे कॉटन है, लेकिन आपका इसके अलावा ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे मैम इसकी लंबाई कितनी होती है, आधे से ढाई इंच, ठीक है, आधे इंच से ढाई इंच। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जगह के, ठीक है, कहीं पे आपका जो फाइबर होगा वो एक इंच लंबा होगा, कहीं डेढ़ इंच लंबा होगा, कहीं दो इंच। जैसे हम लोगों की लंबाई कहीं 5 फुट, आपके कहीं 5 फुट के लोग देखेंगे, कहीं 6 फुट के, कहीं 4 फुट के, तो इस प्रकार से अलग अलग रेशे की भी लंबाई है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि भाई 2 इंच लंबा है तो फिर अगली जगह 2.5 इंच लंबा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी लंबाई क्या है, थोड़ी बदलती है, लगभग आधे से एक जो अनुमान है हमारा वो कितना है, वो है आपका 1/2 से 2.5, ठीक है, आधे इंच से 2.5 इंच तक आपका जो रेशा होता है वो लंबा होता है। इसके बाद है व्यास, जो आपका फाइबर है, ठीक है, अब इसकी लंबाई तो आपने देख ली, लंबाई मतलब क्या, लेंथ, और व्यास का क्या है, व्यास यानी कि ये जो है, ये जो एरिया है इसका, ठीक है, ये जो एरिया है इसका, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, ये व्यास कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो आपका जो कॉटन फाइबर है उसका व्यास कितना होता है, उसका व्यास होता है 16 से 20 माइक्रोन, कितना होता है, 16 से 20 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यानी कि जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा। तो एक चीज जान लीजिए, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग दो तरीके से फाइबर को देखते, एक तो हम देखेंगे कि ये आपका सीधा सीधा कैसे दिखाई दे रहा है, एक हम इसकी लंबवत काट देखते हैं, कौन सी काट, लंबवत काट, आपका रेशा है हम इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं बीच से, और फिर हम देखते हैं कि ये अब आपका कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हम और दूसरी काट कौन सी देखते हैं, हम इसको इस प्रकार से काटते हैं और इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो हम दो तरीके से आपके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एक अनुप्रस्थ काट देखते हैं और दूसरी अनुदैर्ध्य काट देखते हैं, दोनों में आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, कुछ चीजें आपको सिमिलर दिखाई देंगी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में ये किस प्रकार दिखाई देता है, घूमे हुए रिबन के समान, ठीक है, घूमे हुए रिबन के समान कुछ इस प्रकार का आपको कॉटन का फाइबर माइक्रोस्कोपिक में दिखेगा, घूमे हुए रिबन के समान इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉटन फाइबर, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर आपकी रंग एवं चमक, आप लोगों को पता है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग सफेद होता है, लेकिन क्या एक्चुअल में आपका कॉटन फाइबर सफेद होता है, नहीं, जो आपका कॉटन का फाइबर है ना, ये जो आपका जब धूप में रहता है, ठीक है, तो धूप में रहने की वजह से ये थोड़ा सा पैड हो जाता है और पैड येलो हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये थोड़ा सा पीलापन ले लेता है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इस पे परिसज्जा कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। और कौन सी परिसज्जा करते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग ब्लीचिंग करते हैं ना, ब्लीचिंग करते हैं, क्यों करते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग आपका कॉटन के फाइबर को और अधिक सफेद बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो रंग आपका कैसा होता है, रंग हम यही कहेंगे कि सफेद होता है, लेकिन जब ये बहुत समय तक सूर्य के किरणों के जस्ट सामने रहेगा, धूप में रहेगा, ठीक है, जब आपके कॉटन बॉल बन गए और आपने उसको नहीं कलेक्ट किया, वो धूप में लगातार बना रहा, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फेड येलो यानी धुंधला पीले रंग का हो जाता है, वैसे आपका ये सफेद रंग का होता है, कौन से रंग का, सफेद रंग का, ठीक है। अब चमक, चमक कैसी होगी आपके कॉटन फाइबर में, तो बहुत ज्यादा चमक नहीं होती है आपके इस रेशे में, लेकिन सामान्यता रहती है, बहुत अधिक चमक इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। चमक के लिए भी हम अलग से इसमें परिसज्जा करते हैं, कौन सी, मर्सराइजिंग मैंने आपको बता दिया था। प्रत्यास्थता,
प्रत्यास्थता क्या होता है, जैसे आपका कोई कॉटन का फाइबर है वो कितना खींच रहा है, ठीक है, खिंचाव की क्षमता उसमें कितनी है। प्रत्यास्थता क्या होता है, जब आप कोई भी कपड़ा लेंगे, ठीक है, कोई भी कपड़ा लेंगे उसे ऐसे खींचेंगे और खींचने के बाद वो वापस उसी स्थान पे आ जाए, ठीक है। जैसे आप कोई कपड़ा लीजिए, कोई कपड़ा लिया और हमने इसको खींचा, जब ये नॉर्मल है, नॉर्मल साइज आपको दिख रही है, जब खींचा तो ये क्या हुआ, बढ़ गया, बड़ा हो गया। लेकिन दोबारा छोड़ने पर, जब आपने खींचा तो ये बड़ा हुआ और दोबारा जब हम छोड़े तो ये फिर कैसा हो जाए, इसी तरह से हो जाए। तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है प्रत्यास्थता। यानी कि कोई कपड़ा है, आप उसको खींचेंगे और वापस वो अपनी आकृति ग्रहण कर ले, यही आपकी क्या कहलाती है, यही आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। तो आप लोगों को पता है कि कॉटन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कॉटन में प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। कॉटन में क्या होता है, कॉटन में आपकी प्रत्यास्थता का अभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉटन में आपको प्रत्यास्थता का अभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मजबूती कितनी होती है, ठीक है, आपके कपास में कितनी मजबूती होती है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग अधिकतर कपड़े, ठीक है, किसके पहनते हैं, कॉटन के ही पहनते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रेशा कौन सा होता है, कॉटन फाइबर ही होता है, ठीक है, विश्वव्यापी रेशा होता है आपका कॉटन। मजबूती भी इसमें कैसी होती है, मजबूती इसमें अच्छी होती है, कैसी होती है, अच्छी होती है। और एक चीज जान लीजिए, जब हमारा कॉटन का जो कपड़ा है उसे जब हम पानी में डाल देते हैं ना, तो उसकी मजबूती और अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो आप बताएंगे उसकी मजबूती क्या हो जाएगी, उसकी मजबूती और अधिक हो जाती है। यानी कि जब आपका, आपने कॉटन का कपड़ा लिया और उसको पानी में डाल दिया और फिर उसको क्या करेंगे, मजबूती चेक करने के लिए आप खींचिए उसको, तो वो क्या हो जाता है, उसमें मजबूती आपकी 5 से 10 से 15% उसकी बढ़ जाती है। लेकिन जब वो पानी में नहीं डूबा रहेगा, सूखा रहेगा, तो उसकी मजबूती थोड़ी सी कम होगी, पानी में डूबने में ज्यादा होगी, और जब आपका सूखा रहेगा तब क्या होगी, तब थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे तो आपके कॉटन फाइबर में मजबूती कैसी होती है, तो मजबूती आपकी अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक विशेषताओं की, ठीक। रासायनिक विशेषताओं में आप क्या देखेंगे, अभी तक आप क्या देख रहे थे, अभी तक आप भौतिक विशेषता देख रहे थे, ठीक है, क्या देख रहे थे, भौतिक विशेषता देख रहे थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी थी। अब आप देखेंगे रासायनिक विशेषता, ठीक है। रासायनिक में जब आपका जो फाइबर है उसके ऊपर जब हम कोई केमिकल डालेंगे या कोई अलग से प्रभाव उत्पन्न करेंगे, तब आपका फाइबर कैसा होगा, ये चीजें हम देखेंगे। तो ताप का प्रभाव, ठीक है, ताप का प्रभाव या संवाहकता का प्रभाव, तो इसका आप में, इसमें क्या होता है, कॉटन फाइबर में सख्त अभाव होता है। नेक्स्ट है हमारा धूप एवं प्रकाश। मैंने आपको बताया जब ये लंबे समय तक धूप में रहता है तो क्या हो जाता है, लंबे समय तक धूप में रहने से आपका ये कपड़ा थोड़ा सा पीलापन लिए हुए हो जाता है। आप अपने घर में इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप एक फाइबर लीजिए, ठीक, अरे सॉरी, एक कपड़ा लीजिए और उसको क्या करिए, धूप में फैला दीजिए, ठीक, कम से कम 1 महीने तक उसको, 1 मंथ तक धूप में फैला रहने दीजिए, ठीक है। 1 मंथ बाद आप उसको देखेंगे, एक धूप में फैलाइए और एक छांव में फैला दीजिए, और 1 महीने बाद आप उसको चेक करिए, तो जो आपने धूप में फैलाया था वो कपड़ा कैसा होगा, वो आपका रंग उसका क्या हो जाएगा, दब जाएगा, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए हो जाएगा। लेकिन जो छांव में रहेगा वो कैसा होगा, तो आप बताएंगे वो आपका नॉर्मल ही रहता है। तो धूप का प्रभाव हमारे कॉटन के ऊपर कैसा पड़ता है, तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। धूप में बहुत अधिक समय तक रहने से क्या हो जाता है, हमारा कपड़ा थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, इसका रंग और ज्यादा दब जाता है। रगड़ का प्रभाव, अब कॉटन का कपड़ा है, बढ़िया से हम लोग रगड़ के धोते हैं ना, ब्रश करते हैं, एकदम मोड़ चरोड़ के एकदम घुमा देते हैं, लेकिन क्या वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो रगड़ का प्रभाव हमारे कॉटन के ऊपर नहीं पड़ता है। हम लोग चाहे जितना पहने और उसके बाद जब गंदा हो जाए तो क्या करें, ब्रश से रगड़ रगड़ के धो देते हैं ना, ठीक है, तो क्या वो खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो ये रगड़ का कोई भी प्रभाव हमारे कॉटन के ऊपर नहीं पड़ता है। धुलाई, अभी मैंने आपको बताया धुलाई क्या करनी है, हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से धुल लेते हैं। अब कॉटन का फाइबर है, गंदा तो होता ही है, बहुत अधिक गंदा नहीं होता है, लेकिन आपका धूल मिट्टी जो पड़ जाती है, तो आप इसकी धुलाई किससे कर सकते हैं,
नॉर्मली साबुन से आप इसको धुल सकते हैं, निरमा का प्रयोग कर सकते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं और इसकी धुलाई आप नॉर्मली घरों में कर सकते हैं और ये साफ भी हो जाता है। इसके बाद है सिकुड़न की क्षमता। तो सिकुड़न आपको बताया मैंने कि सिकुड़न थोड़ी बहुत इसमें होती है, आपका सिकुड़ जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सिकुड़न आपको आपको इसमें देखने को मिलेगा। फफूंदी का प्रभाव, फफूंदी क्या है, ठीक है, फफूंदी आप इसको भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप कपड़ा लीजिए कॉटन का और उसको नमी वाले स्थान पर रख दीजिए लगभग आपके 5-6 साल 10 साल, ठीक है, और उसके बाद क्या देखेंगे आप कि उसमें क्या पड़ गई है, फफूंदी बढ़ गई है और आपका कपड़ा क्या हो गया, एकदम कमजोर हो गया। तो हमारे कॉटन फाइबर को ना, हमारे कॉटन फाइबर को धूप में भी बीच बीच में दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर हम नमी वाले स्थान में रखेंगे मतलब तो क्या हो जाएगा, फफूंदी लग जाएगी, हमारा जो कपड़ा है वो खराब हो जाएगा। तो फफूंदी का प्रभाव आपके कॉटन पर क्या होता है, पड़ता है, ठीक है, फफूंदी का प्रभाव क्या होता है, पड़ता है। इसके बाद है अवशोषकता। तो अवशोषकता कैसी होती है, हमारे कॉटन में मैंने आपको बताया कि हम पानी में डालते हैं ना तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अवशोषकता अच्छी होगी या नहीं होगी, हमारे कॉटन में अवशोषक क्षमता क्या होती है, एब्जॉर्बेंसी कैसी होती है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो अभी आपने क्या देखा, कपास की विशेषताएं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन फाइबर। इसमें आपने दो विशेषताएं दो तरीके से देखी, एक है हमारी भौतिक और दूसरी क्या है, रासायनिक। भौतिक में आपने संगठन देखा कि हमारा कैसा रेशा है, सेल्यूलोजिक रेशा है, इसमें आपके कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लंबाई आपकी 1.5 से 2.5 इंच है, व्यास आपने देखा 16 से 20 माइक्रोन है। फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आपने देखा, ये कैसा है, घूमे हुए रिबन के समान है। रंग एवं चमक इसका कैसा है, सफेद रंग का आपका ये फाइबर होता है और चमक बहुत अधिक नहीं होती है इसमें, प्रत्यास्थता भी नहीं होती है, प्रत्यास्थता का भी क्या होता है, पूर्णता अभाव होता है, ठीक है। और उसके बाद मजबूती कैसी होती है, मजबूती अच्छी होती है। फिर आप रासायनिक पे क्या देखे थे कि ताप संवाहकता का क्या होता है, सख्त अभाव पाया जाता है। धूप एवं प्रकाश का क्या होता है, धूप एवं प्रकाश का जब लंबे समय तक आपका ये धूप में रहेगा तो ये आपका फाइबर खराब हो जाएगा। रगड़, बहुत ज्यादा रगड़ का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, धुलाई हम लोग नॉर्मली इसके घरों में कर सकते हैं क्षारीय पदार्थों से, यानी कि साबुन कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो साबुन का भी कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ता है। सिकुड़न इसमें थोड़ी बहुत होती है इसलिए हमें इसे प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। फफूंदी का प्रभाव आपके इसके ऊपर पड़ता है क्योंकि नमी में बहुत दिनों तक अगर आप इस सूती कपड़े को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका धीरे धीरे उसमें फफूंदी लगने लगेगी। फिर है आपकी अवशोषकता, अवशोषकता आपकी इसमें बहुत अच्छी पाई जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके कपास की विशेषताएं। आपने देखा कपास कैसा रेशा होता है, सेलुलोजिक रेशा होता है, विश्वव्यापी रेशा है, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप राजा का नाम उपाधि दिए है ना कि कपास आपका कैसा है, ये कपास आपका वस्त्रों का राजा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उद्गम कहाँ है आपका, उद्गम होता है भारत में, उद्गम आपका कहाँ है, उद्गम आपका भारत होता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉटन फाइबर। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर पढ़ा था, तो उसी से है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है रेशम एक कैसा तंतु होता है, ठीक है, रेशम एक कैसा तंतु होता है। तो आप बताएंगे कि रेशम जो है हमारा वो कैसा है, प्रोटीन युक्त तंतु होता है। कौन सा, प्रोटीन युक्त, ठीक है, रेशम कैसा तंतु है, प्रोटीन युक्त तंतु होता है रेशम। आप लोगों को पता है जो सेल्यूलोज जो आपका फाइबर है ना, ये तीन भागों में बटते हैं ना। तीन भागों में कौन कौन से, एक आपका वनस्पति का होता है, एक प्राणी जो होता है और एक खनिज होता है। कौन सा, नेचुरल फाइबर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कौन से फाइबर की, नेचुरल फाइबर की बात कर रहे हैं। तो एक कौन सा होता है आपका, एक वनस्पतिक होता है, वनस्पतिक। दूसरा क्या होता है, जांतव होता है। तीसरा कौन सा होता है, खनिज होता है, ठीक है। तो जांतव में आपने दो रेशे देखे थे, कौन कौन से, ऊन और रेशम, ठीक है, ऊन और क्या देखा था, ऊन और रेशम देखा था। तो रेशम आपका क्या है, रेशम आपका प्रोटीन युक्त फाइबर। ये ऊन और रेशम इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फाइबर के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, तो ऊन आपका कैसा है, प्रोटीन युक्त फाइबर। अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए, ये जो वानस्पतिक में आपके बीज वाले रेसे थे जिसमें आपने क्या देखा था, कॉटन, और दूसरा क्या था आपका, कापोक था ना, ये आपका क्या है, कॉटन और कापोक, ये आपके दोनों सेल्यूलोजिक में आते हैं। किसमें आते हैं, सेल्यूलोजिक में आते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सेल्यूलोजिक फाइबर कौन कौन से है, तो कॉटन और कापोक दोनों ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा लिनन भी रहेगा, तो लिनन भी आपका सही है। फिर आपका जांतों में देखेंगे, तो जांतों में ऊन और रेशम दोनों ही आपके कौन से फाइबर के अंदर, कौन से जगत में आएंगे, प्रोटीन जगत से आपके आते हैं, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, क्या तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता क्या है, कम है, जो कि पानी क्या करता है, कम सोखता है। अब आपको अभी मैंने बताया था कि जो कॉटन का फाइबर है, ठीक है, जो कॉटन का आपका फाइबर है वो क्या है, वो कैसा है, तो आपको पता था कॉटन का फाइबर जो है वो पानी को अच्छा खासा सोख रहा था कि नहीं। कॉटन का फाइबर में क्या है, अवशोषक क्षमता ठीक है। रेशम में क्या है, और ऊन में, रेशम और ऊन में भी आपकी ठीक होती है, लेकिन जो आपका नायलॉन फाइबर है, ठीक है, जो आपका नायलॉन फाइबर है, ये आपका पानी जो है, पानी सोखने की क्षमता इसमें क्या होती है, कम होती है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं धो और पहनो, ठीक है, धो और पहनो बोलते हैं। और धो और पहनो मतलब क्या कि आप इसको बहुत ही आसानी से धो लेंगे, बहुत ज्यादा गंदगी इसके ऊपर नहीं चिपकती है, ठीक है। नायलॉन का जब आप कपड़ा देखेंगे, तो नायलॉन के कपड़े को आपके जो सरफेस एरिया होते हैं, इसके अंदर तक गंदगी नहीं जाती है, ऊपर ही चिपकी रहती है, तो आसानी से धुलाई हम इसकी कर सकते हैं। और पहनो तो क्या, धोने के बाद पहन लेंगे, नहीं, सुखाएंगे, लेकिन इसकी जो सूखने की क्षमता है वो बहुत तेजी के साथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि अंदर तक तो पानी जाता ही नहीं है, वो आपने धुला आपके कपड़े को धुला, और ऊपर से ही पानी क्या हो जाता है आपका, गिर जाता है, इसीलिए बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है, ये सिकुड़ता भी नहीं है, तो हम इसको धो और पहनो भी बोलते हैं। इसलिए जो आपका नायलॉन है उसमें पानी की सोखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। ऊन अभी मैंने आपको बताया था किससे, प्रोटीन से बना होता है ना, ठीक है, ऊन कैसा, प्रोटीन का बना होता है। तो अब आपको ये बताना है कि ऊन आपका जो प्रोटीन का बना होता है वो कौन सी प्रोटीन का बना होता है, तो आप बताएंगे ये हमारे फाइब्रियन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का, फाइब्रियन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यार्न, ठीक है, क्या यार्न, धागे, यार्न मतलब क्या होता है, धागे जो छोटे तंतुओं की बात हो रही है, रेसों से बनते हैं, तो आपको पता है छोटे तंतु मतलब क्या, स्टेपल फाइबर की बात हो रही थी, तो धागे जो छोटे तंतुओं से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो फटाफट ऑप्शन देखिए क्या है, पहला है फिलामेंट यार्न, फिर है आपका स्टेपल यार्न, फिर है आपके सादे यार्न, फिर है आपके फैंसी यार्न। तो इसमें आंसर सीधी सी बात है, कौन सा होगा आपका, स्टेपल यार्न आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, छोटे तंतु को आपको पता है स्टेपल कहते हैं, फिलामेंट किसे कहते हैं, आपके लंबे तंतुओं को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं, क्या है, कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं। तो कपड़ा बनाने की विधि में पहला ऑप्शन है आपका बुनाई, फिर है कताई, कार्डिंग एंड कॉमिंग। अभी हमने सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पढ़ा था, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसका उत्तर दे सकते हैं। पहला है बुनाई, फिर है कताई, फिर है कार्डिंग, फिर है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब क्या होता है, कॉम्बिंग मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या, कंघे करना। कार्डिंग मतलब क्या होता है, कार्डिंग मतलब क्या कर रहे हैं हम, उसकी धुनाई कर रहे हैं ना। कताई यानी कि क्या, स्पिनिंग, ठीक है, कताई में क्या, स्पिनिंग। और बुनाई यानी कि वीविंग, ठीक है, क्या, वीविंग। तो आपको पता है कपड़ा बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, वीविंग करते हैं ना। इसमें दो प्रकार के धागे भी मैंने आपको बताए थे इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से, एक आपके वार्प यार्न और दूसरे कौन से, दूसरे आपके वेफ्ट यार्न, ठीक है, एक आपके वार्प यार्न और दूसरे आपके वेफ्ट यार्न। तो दो प्रकार के धागे आपके इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डेनिम बनाने में उपयोग आती है? डेनिम बनाने में यानी कि डेनिम जीन्स आपकी बनाने में क्या उपयोग में आती है, तो आप बताएंगे क्या होती है, ये है आपकी ट्विल बुनाई। कौन सी बुनाई? ट्विल बुनाई। सादी बुनाई से नहीं आपका बनता है डेनिम, साटिन से भी नहीं बनता है। फिर आपकी सेटिन, साटिन दो प्रकार की है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, सेटिन है और साटिन है, ठीक है। तो सादी बुनाई से भी नहीं बनता है, सेटिन से भी नहीं होता है और साटिन से भी नहीं होता है, ये आपकी ट्विल बुनाई से होता है। ट्विल बुनाई आपकी, ट्विल बुनाई जो होती है ना, वो इस उसको तिरछी बुनाई भी कहते हैं, तिरछा, क्योंकि इसकी जो बुनाई है वो ऐसे तिरछी तिरछी आपको दिखाई देगी, इसकी जो संरचना है वो तिरछी तिरछी दिखाई देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तिरछा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिरछा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आप इसकी बुनाई देखेंगे तो ये मुख्यतः पांच प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डायमंड ट्विल, ठीक है, कौन सी? डायमंड ट्विल आप देखेंगे। इसके अलावा आपकी लहरदार ट्विल होती है, ठीक है, डायमंड ट्विल के अलावा हमारी लहरदार ट्विल होती है, ढलुआ ट्विल होती है, ठीक है, ढलुआ ट्विल होती है। तो ये कुछ प्रकार हैं आपके ट्विल के, ट्विल बुनाई के। इसमें हमारे जो धागे होते हैं उन्हें तिरछे रूप में प्रयोग किए जाते हैं और ये आपके एस और जेड, ठीक है, एस और जेड आकार में, एस में इस प्रकार से ये जेड है और ये है आपका एस, ठीक है। तो एस में आपकी इस प्रकार से बुनाई दिखाई देगी, मतलब इस तरह से जाएगी वो, ठीक है, इस प्रकार से जाएगी, और जेड में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगी, ये इस तरह से जाएगी यहां से ऐसे, इसको बोलते हैं एस और इसको बोलते हैं जेड, एस ट्विल और जेड ट्विल। तो ये भी आपको इसमें देखना है, ट्विल बुनाई हम लोग जब आगे वीविंग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो डेनिम बनाने में कौन सी आपकी बुनाई प्रयोग की जाती है, तो ट्विल बुनाई प्रयोग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, ठीक है, इसमें से किसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, तो फटाफट बता दीजिए किसे हम कहते हैं। तो आपका जो रेयॉन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कृत्रिम रेशम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस आप लोगों को पता है, अभी मैंने आपको बताया था हमारा जो रेशा होता है उसे कितने भागों में बांटा था, दो, प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद जब हम देखते हैं प्राकृतिक में, तो मैंने आपको बताया था कि तीन भाग थे, ठीक है, तीन भाग थे, एक कौन सा फटाफट बताइए, एक था हमारा कौन सा, एक था हमारा वानस्पतिक, दूसरा था प्राणिज और तीसरा कौन था, तो आपको पता है तीसरा कौन था, तीसरा था खनिज रेशा ना। तो खनिज में हमने तीन प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से याद होगा आप लोगों को, पहला है सोना ना, गोल्ड, फिर हमने चांदी को देखा था, फिर हमने क्या देखा था, एस्बेस्टस देखा था, ठीक है, क्या देखा था, एस्बेस्टस देखा था, ठीक है, एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस अब बताइए किसमें आएगा आपका, तो एस्बेस्टस किसमें आएगा, ठीक है, एस्बेस्टस किसमें आएगा आपका, तो एस्बेस्टस आपका बताइए मिनरल तंतु में आया है ना, किसमें, मिनरल तंतु में, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा खनिज में आपने देखा था तीन प्रकार, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। तो ये किसमें आया था आपके, खनिज में आया था। तो खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो खनिज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरल तंतु बोलते हैं। इसलिए एस्बेस्टस आपका किसमें आएगा, मिनरल तंतु में। अब आपको पता होगा ये अग्नि अवरोधक होता है, कैसा रेशा है आपका, ये अग्नि अवरोधक है, अज्वलनशील है, तो इससे हमारे जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं लोग, उनके कपड़े किससे बनाए जाते हैं, एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रासायनिक रूप से नायलॉन है, ठीक है, क्या है, रासायनिक रूप से आपका नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉली एक्रा इलोनाइट्रॉल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो हमारा नायलॉन का फाइबर होता है ये हमारा कैसा है, ये हमारा पॉलीएमाइड है। अगर आप इसका रासायनिक रूप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, पॉलीएमाइड होता है। किसने खोज की थी, कैरोथर्स ने की थी, किसने खोज की थी इसकी, कैरोथर्स ने इसकी खोज की थी, ठीक है, ये इसके खोजकर्ता हैं। तो रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है, पॉलीएमाइड रेशा है,
इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे। प्राचीन काल में आपके वस्त्र कैसे बुने जाते थे? तो प्राचीन काल में आपको पता है वस्त्र हमारे कैसे बुने जाते थे, उस समय मशीन नहीं हुआ करती थी, ठीक है। आदि मानव काल जब आपके पहनते थे तो वो तो पेड़ पत्तियों छालों को लपेटा करते थे। उसके बाद आपने देखा था ना पांच उसके अवस्थाएं देखी थी, तो उसमें आपकी नग्न अवस्था थी, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने देखा था कृषि की अवस्था, तो कृषि की अवस्था में आपको पता होगा जब हमारे रेशे बनने लगे तो हम क्या देखे थे कि वस्त्र कैसे बुने जाते थे, हाथों से बुने जाते थे। किससे बुने जाते थे? हाथों से बुने जाते थे। हाथों से हम अपने वस्त्रों को क्या करते थे, बुनते थे। ये आप जो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि चिड़िया जो घोंसला बनाती है, चिड़िया क्या बनाती है, घोंसला बनाती है स्वयं को रहने के लिए, तो वो उसी घोंसले को देख करके, ठीक है, उसी घोंसले को देख करके कि वो किस प्रकार से उसको गूथी हुई है, जो मनुष्य थे वो क्या करे, वो उन्हीं से सीखे, क्या हुआ, उन्हीं से सीखे, उन्हें देख करके कि कैसे वो घोंसले बना रही हैं, उसी प्रकार से उन्होंने धागों को भी गूथना शुरू किया और गूथ गूथ करके क्या किया, वस्त्रों का निर्माण किया, वस्त्रों को बुनने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद कई सारी बुनाइयां बाद में आई, लेकिन जो शुरुआत थी वो कहां से आई थी, वो चिड़िए के घोंसले को देख करके आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है क्या, वस्त्रों की लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो आपको पता होगा वस्त्रों की लघुत्तम इकाई कौन सी है, फटाफट बताइए, धागा है, रेशा है, ऐठन युक्त धागा है या फिर ऐठन रहित धागा है। धागा आपको पता है क्या, यार्न की बात हो रही है यहाँ पे, रेशा मतलब क्या, फाइबर। नेक्स्ट आपका ऐठन युक्त धागा, यानी कि आप उस धागे को क्या कर दिए हैं, अच्छे से ऐंठ दिए हैं। और ऐठन रहित का मतलब क्या होता है कि आपका जो धागा है वो बहुत ज्यादा ऐठा हुआ नहीं है, ठीक है, जो धागा है वो बहुत ज्यादा ऐठा नहीं है, वो एकदम सीधा है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, ऐठन रहित। तो ये आपका ऐठन वाला हो जाएगा जब आपने खूब ऐंठ दिया उसको, और ऐठन रहित मतलब वो सीधा है, रेशा है, धागा है, ऐठन युक्त है, ऐठन रहित है। तो आपको पता होगा वस्त्रों की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो ये है हमारी रेशा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा, जादुई रेशा कहा जाता है। जादुई रेशा हम किसको कहते हैं? तो आपको पता होगा जादुई रेशा हम लोग कृत्रिम रेशों को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशों को कहते हैं। जूट के रेशों को नहीं कहते हैं जादुई रेशा, रेशमी को नहीं कहते, ऊनी को नहीं कहते, कृत्रिम रेशों को कहते हैं। कृत्रिम रेशों में आप किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नायलॉन को कहते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें जान लीजिए, जो हमारा कपास था उसे हमने क्या कहा, वस्त्रों का राजा। रेशम को क्या कहा? वस्त्रों की रानी कहा। और कृत्रिम रेशम में नायलॉन को क्या कहा? तो नायलॉन को हमने कहा जादुई रेशा। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देख लीजिए क्या है, बहुत ही इजी है। प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि, अब भाई हम वस्त्र पहनना जब शुरू कर दिए तो क्यों पहने थे सबसे पहले वस्त्र, ठीक है, बताइए क्यों पहने थे? आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे अंदर दो चीजें थी, ठीक है, क्या हुआ था, सुरक्षा देखा था हमने। सुरक्षा की भावना किससे देखी थी? सुरक्षा की भावना हमने दो लोगों से देखी थी सबसे पहले। किससे किससे? तो पहला था हमारा जानवरों से। किससे? जानवरों से देखी थी हमने। दूसरा किससे देखी थी? मौसम से देखी थी, ठीक है, किससे देखी थी? मौसम से देखी थी। तो सुरक्षा की भावना जानवरों से और मौसम से बचाने के लिए हमने क्या किया था, खुद को ढकना शुरू किया था। तो जब प्राचीन काल में लोग वस्त्रों को सबसे पहले पहनना शुरू किए तो उनके मन में क्या था, मौसम से की भीषण मार से रक्षा करने के लिए, शरीर सुंदर और आकर्षक दिखे इसलिए, शर्म एवं लज्जावश के कारण या सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के कारण। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्राचीन काल में लोग सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे पहले देखेंगे क्या? उस समय तो कोई समाज आपका वर्ड वगैरह में तो बटा नहीं था, तो कोई प्रतिष्ठा वाली तो भावना ही नहीं आती है यहाँ पे, तो ये आपका कट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शर्म एवं लज्जावश। तो शर्म और लज्जावश, जब हम नग्न अवस्था से आ रहे हैं तो उस समय उतनी ज्यादा शर्म और लज्जावश की भी भावना नहीं थी अंदर, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। शरीर सुंदर और आकर्षक, ये आपका इसके बाद आता है, ठीक है, ये इसके बाद वाली थ्योरी थी। तो पहली हमारी क्या थी, नग्न अवस्था। फिर हमारी जब कृषि अवस्था के बाद वाली थ्योरी आती है, जब वो क्या करते हैं, शरीर को
सजाने लगते हैं, उसमें टैटू बनवाने लगते हैं, तो ये सब बाद की अवस्था है। पहले हम क्या कर रहे थे, खुद की सुरक्षा की भावना आई थी और स्वयं को ढकने की कोशिश किए थे, किससे बचाने के लिए, मौसम से बचाने के लिए और दूसरा जानवरों से बचाने के लिए। तो प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे, क्योंकि अब एकदम क्लियर होगा आपको क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जाएगा ए, क्या वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा करने के लिए। ठीक है, क्लियर है अब। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।